गिनती अध्याय 13 कुलपद 33। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इसराइलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से जक्कूर का पुत्र शम्मू, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, इस्साकार के गोत्र में से योसेफ का पुत्र यिगाल, एप्रैम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, बिन्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती, जबुलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गद्दियेल, यूसुफ वंशियों में मनश्शे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमल्ली का पुत्र अम्मीएल, आशेर के गोत्र में से मिकाएल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से वोपसी का पुत्र नहुबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गुएल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम यही हैं। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं सो कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ या किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था, सो वे चल दिए और सीन नाम जंगल से ले रहोब तक जो हमात के मार्ग में है सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। सो वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहिमन, शेशय और तलमय नाम अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन तो मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इसराइली वहां से जो दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इसराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है,
क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वह नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे।